निषाद एकता परिषद ने बाढ़ पीड़ितों ने बांटे लंच पैकेट। बुंदेलखंड सृजन परिवार रहा शामिल। हमीरपुर में जहां यमुना और बेतवा अपना विकराल रूप दिखा रही है और दर्जनों गांव को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, वहीं प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और राहत शिविर लगाकर मदद कर रहा है, जो नाकाफी है। कई परिवार ऐसे में जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है और सड़क किनारे अपना डेरा जमाए बैठे हैं, जिनकी मदद करने के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। ऐसे में निषाद एकता परिषद और बुंदेलखंड सृजन परिवार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के दर्जनों परिवार को लंच पैकेट बांटे गए। वहीं संगठन के अध्यक्ष बरातीलाल और उत्तम सिंह का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, भोजन सहित तमाम जरूरत की चीजें मुहैया कराई जाएंगी। इस मौके पर रामेश्वर कर्णधार सौखीलाल, रामेंद्र गंगादीन, गौरी शंकर, महेश जयकरण, राजकुमार सिंह सहित संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई ले जाओ खाना। खाना ले लिया सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर कर्णधार। आज कैसे लगा कि बात करने के लिए? बहुत मतलब मदद करते हुए बहुत अच्छा लगा, हमको बड़ी खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने जो है मतलब लंच पैकेट बांट करके सहयोग प्रदान किया, लोग यहाँ के खुश हैं। क्या किसी एक समिति ने या किसी एक परिवार ने, किसने आज ये लंच पैकेट बांटे? ये निषाद एकता परिषद है जो मौदाई इकाई है, उसके द्वारा ये लंच पैकेट बांटे गए। तो क्या ऐसी मदद और होगी आगे? क्यों नहीं, भविष्य में होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौखीलाल निषाद, ग्राम टोलम आपसे संबंधित है। आज क्या किया आपने? हमने एक मानवता के तहत जो एक दया होती है, जो अंदर उजागृत होती है, एक हमें ऐसा लगा कि वास्तव में जो पीड़ित लोग हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनको आटा राशन जो नहीं बचा पाए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दो तीन दिन से अन्न का टुकड़ा भी नहीं खा पाए। हम लोगों की समिति ने एक ऐसा विचार रखा, एक अंदर से भाव आया, हमें ऐसा लगा कि वास्तव में इनकी मदद करनी चाहिए। सुबह सुबह हमारे अध्यक्ष जो निषाद एकता परिषद के बरातीलाल मार साहब जी हैं, इनका फ़ोन आया। इसके पहले भी हमने सूचना की थी कि हमें ऐसा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए लोगों का। फिर
एकाएक सब लोग तैनात होकर के इकट्ठे हुए और सब लोगों ने जैसे यथाउचित अपनी व्यवस्था की, व्यवस्था करने के बाद राहत सामग्री बांटने का काम किया। किस तरह की मदद और आगे होगी? जिस जैसी जरूरत समझ में आएगी तो हमारा निषाद एकता परिषद हमेशा साथ रहेगा ऐसी परिस्थिति में। अपडेट मीडिया के लिए हमीरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।